नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, हर जगह भ्रष्टाचार फैला है। विपक्ष ने हर मसले को विधानसभा के अंदर और बाहर मजबूती के साथ उठाया है, फिर भी सरकार के कामकाज पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। वे शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बात कर रहे थे। कहा कि बिहार में डबल इंजन नहीं ट्रबल परेशानी इंजन की सरकार है। राज्य सरकार बैसाखी के सहारे सत्ता पर काबिज है। सरकार को सिर्फ कुर्सी की चिंता है। समस्याओं व जनहित के मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है। अफसरशाही चरम पर है। विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर एक दरोगा का तबादला नहीं हुआ, उल्टे सदन में उन्हें अपमानित किया गया। ऐसे में पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों को क्या स्थिति होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। बिहार में राक्षस राज आ गया है। हत्या, लूट, छिनत, चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हर चार घंटे में एक दुष्कर्म की घटना हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी। नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार पूरी तरह फिसड्डी है। पुलिस महकमे को शराब पकड़ने के लिए लगा दिया गया है। क्राइम कंट्रोल पर अब पुलिस का ध्यान नहीं रहा है। लोगों को पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई की जरूरत है। अवसर मिला तो सरकार को आर्थिक न्याय दिलाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर कहा कि महंगाई तो बीजेपी की महबूबा है। लोजपा नेता चिराग पासवान को लेकर पूछे जाने पर कहा कि चिराग खुद को बीजेपी का हनुमान बता रहे थे। बीजेपी ने लोजपा में फूट डालकर बंगला से दरकिनार कर दिया। तेजस्वी यादव ने स्थानीय निकाय चुनाव में राजद प्रत्याशी रोमा भारती के पक्ष में प्रतिनिधियों से संवाद भी किया तथा उन्हें जिताने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि रोमा भारती जी को प्रत्याशी बनाया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी के लोग, महागठबंधन के लोग, साथी दलों के लोग जो साथ मिलकर के जो काम कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी समस्तीपुर लोकसभा मोदी से जीत जो है वो पक्की हो जाएगी। और हम कई मुद्दों के बारे में अगर बात करें तो अभी देखा गया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्राइम को लेकर के, शिक्षा, चिकित्सा, अस्पताल, दवा, कमाई, रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, सिंचाई, किसान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे, हर जगह भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ। तो हम लोग हर एक मुद्दे को हम लोगों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर यानी सड़क पर हर मसले को मजबूती के साथ उठाया है और बिहार विधानसभा में जितनी बड़ी ताकत हम लोगों को जनता ने दिया, ताकत ही नहीं, हमको कहते हैं कि हमारी सरकार भी बना रही थी, लेकिन चोर दरवाजे से आकर के कुछ सीटों का हेरा फेरी करके ये सरकार मौजूदा सरकार है। लोग भले ही कुछ कहता हो कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हमारा मानना है ट्रबल इंजन, डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन। अब इन लोगों को बिहार की चिंता नहीं, बिहारियों की चिंता नहीं, उनको केवल अपनी चिंता है, एक कुर्सी की चिंता है। सत्ता के लोग ही लोग अभी आप देखिएगा इसमें, इस चुनाव में मतदाता जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, जिला परिषद सदस्य होते हैं, यानी जनता जिसको चुनकर के भेजी है वो इस चुनाव में लोकल बॉडी के एमएलसी के चुनाव में वोटर होते हैं। और इस बार पंचायतों में बड़ी ताकत में नए लोग जो है, नए चेहरे जो है वो चुनाव जीत करते हैं और इन सब लोग अब
बड़ी समस्या जनप्रतिनिधियों की। जब थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, जनता के काम भी लेकर के, तो मान सम्मान जो लालू जी के वक्त जो मिला करता था, चाहे किसी दल का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वो आज के दौर में मिलेगा पूरी तरीके से अस्तसाय। इसका जितना ज्यादा उदाहरण लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो बिहार विधानसभा है। जब अध्यक्ष की ही मान सम्मान रहे है, प्रतिष्ठा नहीं रहे है। अब अध्यक्ष कहते हैं कि उनका दरोगा तक नहीं सुनता, तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि जो पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि है उनकी क्या स्थिति है, उनका कहां मान सम्मान। तो हम लोग सब लोग यहां इसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच आना चाहते थे। जो भी कई बार चुनाव भी लड़ सकते थे और पार्टी की वफादार सारी नहीं है, उसका पूरा पार्टी ने बल्कि के परिवार के लिए पूरा राष्ट्रीय जनता दल पर समर्पण शुरू से ही दिखाया है और आज भी एक गरीब है, महिला है। और जो माहौल है लोगों में वो है बदलाव का माहौल, और हमको पूरा यकीन है कि सब लोग चाहे किसी भी जात के हमारे लोगों को, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, सब लोग गोलबद्ध होकर के यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी है उनको भारी मतों से जो है निकालने का काम कराएंगे। और आप सब लोग जितने मीडिया यहाँ बंधु है, साथी है, आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना है तो एक एक करके अपने सवाल के जो है आपको मुख्यमंत्री हमको मुख्यमंत्री जी के इस माना कोई हमको लेना देना नहीं, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। हमारी चिंता है बिहार के लोगों की क्या इच्छा है, दोनों की भी होगी। बिहार के लोगों की क्या इच्छा है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई, लोगों को बेरोजगारी होता है, महंगाई होता है, लोग आज बेबस है, किसान को खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, बड़े बिहार जो है नीति आयोग को 70% रहा है। हमको चिंता इसकी, अब इसकी क्या इच्छा है, अब इसके हम कितनी करते रहने की कोई मतलब नहीं रहता। कौन क्या कहता है, मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं, वो तो सत्ता चाहते हैं सौपट करेंगे। आज तक अपने बलबूते कभी सरकार को नहीं हो, हमेशा बैसाखी का सहारा लिया, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। और हमको कहेंगे मुख्यमंत्री जी आपको कम से कम 17 साल अपने राज्य या छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के रिपोर्ट में आता है बिहार, तो आपको बिहार में चिंता करनी थी। अब अद्भुत है ना, अब क्या कुछ का जन्म हुआ, अपने घर गए तो घर में एक युवक मुक्का मार देता है, तो आप समझिए इसकी निंदा हम लोग करते ही है, ऐसी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री अपने घर में ही सुरक्षित रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार कैसे, हर 4 घंटे पे यहाँ बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे यहाँ हत्या होती है, इतना रफ्तारी दूर पेटीएम के रूप रहता है, बाहर से लोग जाते हैं लोग पैसा छीन लिया जाता है, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है किसी के लोग करवा दे। तो हमको मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं हमको उसकी चिंता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो ड्यूटी होनी चाहिए वो उनको काम करना चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलाते, जनता की जो इच्छा है आपको उस हिसाब से आपको काम करना। बीजेपी के विधायक जो है योगी मॉडल की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे योगी मॉडल की हो, यहाँ तो सर्कस मॉडल चल रहा है,
मुकेश आदि जी को बीजेपी के लोगों ने क्या कहा, मुकेश आदि जी ने यूपी में बीजेपी के लोगों को क्या कहा, मुख्यमंत्री के स्पीकर को बता रहा। अब फिसड्डी होने के बाद नीचे मुख्यमंत्री कहते हैं चाहे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और मुख्यमंत्री बोलता तो विशेष राज्य का दर्जे की जरूरत नहीं, तो क्या चल रहा है? एक मदद साहब इस्तीफा दे देते बोलते चपरासी हमारे लिए सुनता है, मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी पर आरोप लगाते कि करोड़ों रुपया मिलेगा, एक बीजेपी के विधायक यादव जी बीजेपी ही मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं कि करोड़ों रुपया खर्च पोस्टिंग में भाजपा के मंत्री ले, किसको बोल रहे, किसको पोस्ट कर, मुद्दा क्या है? आप लोग आए छोटर वाले से, आप लोग क्या काम कर रहे थे, क्या करते हैं आप पता ही नहीं चल रहा कौन है किसका सरकार है कौन किसको पोस्ट रहा है। अब जब अध्यक्ष को ही मुख्यमंत्री जी ने लताड़ दिया तो लोकतंत्र की गरिमा कहां जाएगी? तो लोकतंत्र तो खत्म किया ही जाए, लेकिन आप देखते हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इसका मुकेश आदि जी का तो हम तो पहले भी है उनको कि आपको रिचार्ज ऊपर आपका रिचार्ज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम तो बोले थे कुछ ना चिंता करें तो छोड़ के तो वही रहते ना, हमको हम तो कभी भराएंगे किसी को छोड़ के वही है, तो हमको इसमें कोई भी पटक नहीं करता। तेजस्वी जी तो सवाल पूछता था, तेजस्वी जी नयासों पे कोई बात नहीं की जा रही, तेजस्वी जी आपसे बिहार के लोगों को बड़ी आशाएं हैं, और चूंकि अभी स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ उन पे जानलेवा हमला हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? और एक छोटा सा और सवाल है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तनख्वाह एक दैनिक मजदूर से भी कम है, उस पे आपकी सरकार की क्या राय है, विस्तारपूर्वक बताएं। दो सवाल, एक तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल है, एक जनप्रतिनिधि को वेतन भत्ता क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इस पे आपको दो सवाल पूछा। पहला सवाल, जितनी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की जान की कीमत है उतनी आम आदमी की भी, सब लोग बराबर है, लेकिन जिसके हाथ में बागडोर है मुख्यमंत्री अपने ही घर में उसको कोई भी घुस करके भूसा मार दे तो घटना तो बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता था, तो जो मुख्यमंत्री सुरक्षित रह गए हैं तो जो जिला के जनप्रतिनिधि हो या पंचायत के जनप्रतिनिधि हो वो कितने सुरक्षित नहीं आ सकता है। हमारी पार्टी लगातार इस बात को बोल रही है कि पूरी तरीके से बिहार में आप कह सकते हैं राक्षस राज आ गया, कहीं किसी को मार दे रहा है, कहीं किसी को कुछ कर दे रहा है, पुलिस के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा, पुलिस को पूरा डिपार्टमेंट को लगा दिया गया चार तारों को कटने ला, तो हर्ष तो यही होगा पुलिस का मेन ड्यूटी क्या होना चाहिए, डकैतों को पकड़ो, अपहरणकर्ताओं को पकड़ो, मर्डरर को पकड़ो, रेपिस्ट को पकड़ो, तो पूरा ध्यान जो है शराब के विरुद्ध है लोग उसको ढूंढने में रहेगा। अब क्या है मामला, प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए। और दूसरा जनप्रतिनिधियों की बात है तो जनप्रतिनिधि जो है सभी लोगों का परेशानी जो है दूर करते हैं, लेकिन उनकी अपनी भी समस्या रहती है, इस वजह से ये चुनाव होता है ताकि सरकार के सामने उनके सुने हुए नुमाइंदे जो है उनका जनप्रतिनिधि जो लोकल बॉडी के उनका भी पक्ष कर सकते हैं। लोगों का तय है भाई, मंत्री का तय है, विधायक का तय है, एमपी का तय है, तो भाई जो निचले वाले जो स्तर है, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर है, उसको हम लोग चुने मजबूत करते हैं। आप मेरा पूरा मैनिफेस्टो पढ़िएगा जो बिहार के चुनाव में,
हमारी इच्छा है, इसमें कोई पार्टी मैनिफेस्टो निकालती है, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि है उनकी मांग को सरकार जो है पूर्ण करती है। हमने तो कहा जब मुख्यमंत्री मंत्री एमपी विधायक का सबूत तय है तो उनका भी तय होना चाहिए। और अभी शायद उस मुख्यमंत्री जी का इसी पर बयान आया है कि वार्ड के जो सदस्य ऐसा उनको उसमें कोई दिया नहीं जाए सर। जातीय जनगणना जो उसके पक्ष में आप, लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है और ये बहुत अच्छी चीज है विकास के लिए। क्या लगता है क्यों मतलब इधर उधर कर रही है जातीय जनगणना? आपका सर व्यक्तिगत विचार प्रधानमंत्री तक चले गए की मांग रही है जाति योजना कराने की। उनके लिए प्रोजेक्ट करने से प्रभाव है। जब हमने कहा था ये नेशनल इंटरेस्ट है तो मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि राष्ट्र हित में है। क्या है मुख्यमंत्री तो कमजोर है ना, सेवा से उनके हाथ में था। अब तो पेट्रोल नागपुर से चलता है, मुख्यमंत्री नागपुर के शहर से चलते। बिहार में जो अभी अफरा तफरी का माहौल लग रहा है, बीजेपी जेडीयू सब में विरोधाभास कर रहा है, क्या हालात मध्यावधि चुनाव की बन रही है? भले ना भले लेकिन जनता बहुत परेशान है, बहुत आक्रोश है और जनता ही नहीं सरकारी कर्मचारी स्वयंसेवी सब लोग परेशान से मौजूद है। चुनाव जब भी होगा जनता जो है क्लीन स्वीप हम लोगों को चुनने का काम करेगी और सरकार का साथ कांग्रेस से आपसी दूरी बढ़ रही है, आप नेता जी फिर से आपके साथ नया समीकरण उत्पन्न करेंगे दूरी कैसे आप? हमें तो वहाँ का केंद्र के हम लोग सहयोग करते हैं तो दिल्ली में जो है यहाँ पासवान के सामानों को यहाँ हम लोग का यात्रा चाहिए। हम केंद्र में सहयोग करते हैं क्योंकि वो देश की विपक्षी दल में सबसे बड़ी दल है। तो बिहार में तो सबसे मजबूत हम है, हम कहा किसी को दूर करेंगे सर? आप किसी को लोगों को सहयोग करेंगे तब कोई भी कानून बार बार बदला जाता है, संशोधन किया जा रहा है, यानी आपका जो कानून है वो फ्लॉप है, तभी ना बदलाव करते हो। अब मुख्यमंत्री जी सब या तो पीडीएस होगी, अब तो पुलिस जो है ट्रैफिक पुलिस का काम करेगी, मतलब क्या है हेलमेट नहीं पहनने के बेल्ट नहीं लगाने के इतना जुर्माना होता है, लाइसेंस बिना गाड़ी चलाने के इतना जुर्माना होता है, 10,000 रुपये जुर्माना तो 100 रुपये देखे 200 रुपये देखे सुबह। अब यहाँ इसको कर दिया गया जुर्माना 50,000 जुर्माना कर दिया है तो जो 5,000 रुपये लेकर बदल जाए उससे भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा, इसका उनसे और कोई मतलब नहीं। सब लोगों ने हर तरीका देख लिया, शराब लेकर रुक रहा है राजस्व का लगभग सालाना 5,000 करोड़ का जो रेवेन्यू आता था वो मिल रहा है। तो आप कानून बनाते हैं तो आप उसका अनुपालन करवाइए या तुम शराब पूरी तरीके से बंद करो, नहीं हो रहा है तो आप बात करा सकते भ्रष्टाचार चालू करो, केवल भ्रष्टाचार बढ़ रहे जिस तरह से दिल्ली में अब ऐसे ऐसे कानून लाया जा रहा है कि मास्टर लोग को पढ़ाइए मत बच्चा जाके शराब भी उठोगे, ये तो कानून है। जिस तरह से दिल्ली में जो है पासवान की बने महिला के युवा के लिए तो मेरा सोच सफल जानते ही तो एक बार और बता दें सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार का खेल बेरोजगारों का खेल बिहार, और हमने तो वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे।
अब बीजेपी वाला बोला उन्नीस लाख प्रोग्राम किया, हमने वो नहीं बताया था बीजेपी वाले की कैसे देंगे 19 लाख, ये भी नहीं बताया था कि सरकारी नौकरी देंगे कि इंतजाम करवाएंगे प्राइवेट का, कुछ नहीं हुआ। हमने तो बकाया का 10 लाख और सरकारी नौकरी और कैसे देंगे ये भी हमने बताया। सब विभाग से मिले, पुलिस महकमा से मिल जाइए, आप चले जाइए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आप चले जाइए आपका है डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग का जुड़े इंजीनियर का पद खाली है, आप देखिए डॉक्टर नर्स का खाली है, सपोर्टिंग स्टाफ का खाली है, चपरासी का खाली है, सिपाही का खाली है, दरोगा का खाली है, प्रोफेसर का खाली है, लेक्चरर का खाली है। लगभग बिहार सरकार आज भी अगर बैठे मन बनाए तो 1 घंटे के अंदर 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती है, रिक्त पद को भर देती है, और 5.5 लाख नेशनल एवरेज के मुकाबले राष्ट्रीय औसत के बराबर अगर हमको आना है तो ये 4.5 और 5.5 कुल होता है 10 लाख, ये हमें बताया। और दूसरा सवाल जिस तरह से उठा गया, हम लोग जब शासन से गए तो हम लोगों ने भी खाली घर में जिसको परमिशन मिला हो वो वही, हम लोग जब घर खाली किए थे दिल्ली में तो हम लोग तो अपने लोगों से खाली करवाए, कोई आके ऐसा नहीं, लेकिन इतने ईमानदारी के साथ वो बीजेपी के साथ रहे, अंतिम सांस तक रामविलास जी जो है अंतिम सांस तक भाजपा के साथ रहे, चिराग जी ने हनुमान तक कह दिया कि हम हनुमान को दीजिए। समस्तीपुर जिला युवा राष्ट्रीय सदन के साथी के द्वारा किया जा रहा है।